राजस्थान का रण आरंभ है प्रचंड। प्रमुख दलों की चुनावी रणनीति अंतिम चरण में। भाजपा का ढूंढाड़ मेवाड़ पर फोकस। मोदी शाह नड्डा की 45 से ज्यादा सभाएं। कांग्रेस का हाड़ौती शेखावाटी पर जोर। राहुल प्रियंका खड़गे की 25 से 30 सभाएं। सीएम गहलोत कवर करेंगे सभी 200 विधानसभा क्षेत्र। पायलट और जोशी भी करेंगे चुनावी दौरे। राजस्थान के विधानसभा चुनावी रण में कांग्रेस भाजपा ने केंद्रीय नेताओं के अलावा पड़ोसी राज्यों और प्रदेश के बड़े नेताओं की जनसभाएं और रोड शो कराने की रणनीति बना ली है। भाजपा का फोकस जयपुर यानी ढूंढाड़ के अलावा मारवाड़, मेवाड़ और पूरब में रहेगा। वहीं कांग्रेस जयपुर ढूंढाड़ के अलावा मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी पर ज्यादा जोर देगी। हालांकि दोनों ही दलों के नेताओं की सभाएं राजस्थान के सभी जिलों में कराए जाने की रणनीति बन रही है। चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर बुक करा दिए गए हैं। केंद्रीय नेताओं के सभा स्थलों के पास 2 से 3 हेलीपैड बनेंगे। कई बड़े नेताओं की सभाएं एक दिन में 2 स्थानों पर होंगी। भाजपा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की सभा से शुरुआत कर सकती है। भाजपा के प्रचार में मोदी के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर रहेगी। सोनिया गांधी भी एक सभा कर सकती हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं राजस्थान के रण को फतह करने के लिए भाजपा और कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है। सबसे पहले बात भाजपा की तैयारी की। पीएम मोदी की 8 से 10 जनसभाएं करवाने की रणनीति बना रही है भाजपा। अमित शाह और जेपी नड्डा की 20 से 22 सभाएं हो सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर में रोड शो कराने पर भी विचार हो रहा है। भाजपा इस बार प्रचार का एक नया तरीका अपनाएगी। अमित शाह, जेपी नड्डा सहित अन्य नेता एक दिन में 2 से 3 सभाएं करेंगे। चार्टर प्लेन या हेलीकॉप्टर से एक जगह पहुंचेंगे, वहां से फिर अन्य आसपास की सभाओं में कार से ही जाएंगे। भाजपा ने अभी तक 3 हेलीकॉप्टर और चार्टर किराए पर ले रखे हैं। आने वाले चंद दिनों में इनकी संख्या 6 से 9 तक पहुंच सकती है। अब बात कांग्रेस की तैयारी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 6 से 7 जनसभाएं कराने की तैयारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 8 से 10 जनसभाएं हो सकती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 10 से 12 जनसभाएं कराने पर विचार है। प्रियंका व राहुल जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सहित कई बड़े शहरों में रोड शो भी कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, जिग्नेश मेवानी और कई आदिवासी नेता भी आएंगे। कांग्रेस ने इन चुनावी सभाओं के लिए चार्टर प्लेन व हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं। करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर जयपुर में ही रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत सभी 200 विधानसभाओं को कवर करेंगे। सचिन पायलट और सीपी जोशी भी चुनावी दौरे करेंगे। बहरहाल राजस्थान के रण का पारा और हाई होने वाला है। टिकटों पर माथापच्ची पूरी होने के बाद जैसे जैसे आला नेताओं के दौरे शुरू होंगे वैसे वैसे चुनावी रंगत परवान चढ़ेगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि शहमात के इस खेल में कौन बाजी मारता है और कौन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।